नमस्कार, पटना खबर में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं राजधानी पटना की फटाफट 11 ताजा तरीन खबरें। हेलीकॉप्टर सेवा से जुड़ेंगे पटना समेत बिहार के 5 शहर। राजधानी पटना समेत बिहार के 5 शहरों के बीच हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होने वाली है। यह सेवा के शुरू हो जाने के बाद बिहार आने वाले विदेशी यात्री बौद्ध सर्किट से जुड़े स्थानों पर और भी आसानी से जा सकेंगे। बताते चले कि पर्यटन मंत्रालय की पहल पर पटना, वैशाली, गया, राजगीर और बोध गया को हेलीकॉप्टर सेवा से जोड़ा जा रहा है और इसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से आर्थिक और तकनीकी सहयोग लिया जाएगा। इस संबंध में इन पांचों जिलों के डीएम और सरकारी विभाग व एजेंसियों से पिछले महीने जनवरी में ही बातचीत हो चुकी है। अब एक और बैठक के बाद इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। पटना में गरीब मरीजों को मुफ्त में उपलब्ध होगा ब्लड। बिहार के किसी भी हिस्से से इलाज करवाने पटना आए अत्यंत गरीब मरीजों को अब इलाज में जरूरत पड़ने पर महंगी कीमतों पर खून नहीं खरीदना पड़ेगा, क्योंकि बिहार का सबसे आधुनिक ब्लड बैंक जल्द ही शुरू होने वाला है। जी हां, मां वैष्णो सेवा समिति के द्वारा राजधानी पटना में मां ब्लड बैंक की शुरुआत 2 दिन के बाद यानी कि 27 फरवरी से शुरू होगी, जिसका उद्घाटन खुद सीएम नीतीश कुमार करेंगे। इस संबंध में समिति के संयोजक मुकेश हिसारिया ने बताया कि इस ब्लड बैंक से थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, प्लास्टिक एनीमिया, कैंसर पीड़ितों व बेहद निर्धन मरीजों को पूरी तरह निशुल्क खून उपलब्ध होगा। पटना में कोरोना के 13 नए मामले मिले। बीते दिन के पिछले 24 घंटे के दौरान बिहार में कुल 129,559 सैंपलों की जांच हुई, जिसके आधार पर पटना में 13 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। इसके साथ ही पटना में कुल एक्टिव केस 143 हो गए। बात अगर करें बिहार की तो इस दौरान 38 नए केसों के साथ बिहार में कुल एक्टिव केस 379 हो गए। पटना को मिलेगी 5 नए CNG स्टेशनों की सौगात। पटना में अगले महीने यानी कि मार्च में 5 नए CNG स्टेशन खुलने वाले हैं, जिसके बाद अब यहां CNG स्टेशनों की कुल संख्या 15 से बढ़कर 20 हो जाएगी। जानकारी के मुताबिक गेल, IOCL, थिंक गैस और IOGPL जैसी कंपनियां पटना में 5 नए CNG स्टेशन खोलने को लेकर काम कर रही है, जिसके तहत अगले महीने तक परसा, भूतनाथ, खुसरूपुर और पंडारक में नए CNG स्टेशन खुल जाएंगे। आपको बताते चले कि पटना में अधिकांश CNG गाड़ियां चल रही हैं, ऐसे में गाड़ी चालकों को इसका फायदा जरूर मिलेगा। पटना में बनेगा एक और औद्योगिक क्षेत्र। देश के महानगरों की तर्ज पर बिहार की राजधानी पटना में छोटे बड़े इंडस्ट्री का हब बनता जा रहा है। वर्तमान में पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया में कई फैक्ट्रियां संचालित हो रही है, लेकिन अब एक और नए इंडस्ट्रियल एरिया को तैयार करने को लेकर मांग उठ रही है, जहां पर नई फैक्ट्रियां शिफ्ट की जाएंगी। इस बात का फैसला सदर पंचायत समिति की बैठक में हुआ, जिसके प्रमुख ने कहा है कि सरकार से पूर्वी और दक्षिणी पटना के लिए अलग से नए औद्योगिक क्षेत्र बनाने और उसे विकसित कराने को लेकर मांग की जाएगी, जिसके तहत पटना सिटी और फोरलेन के इलाकों में बढ़ते प्रदूषण की समस्या से भी लोगों को छुटकारा मिलेगा। पटना जंक्शन के पास VIP शौचालय व कैफेटेरिया के उद्घाटन में आ रही परेशानी। पटना में रेलवे जंक्शन के नजदीक महावीर मंदिर के पास वाले टिकट घर के सामने VIP शौचालय और 3 मंजिले कैफेटेरिया के साथ ही वेटिंग लॉन्च का उद्घाटन मामूली कारणों से अधर में लटका हुआ है। हालांकि अब इसे लेकर इन भवनों के निर्माण एजेंसियों ने दानापुर मंडल के DRM को पत्र लिखा है और सीवर निकासी के लिए अलग लाइन देने की बात कही। दरअसल यह तीनों भवन बनकर तैयार है, लेकिन दिक्कत सीवर लाइन की निकासी में आ रही है। VIP शौचालय के सेफ्टी टैंकर से पानी की निकासी का रास्ता अब तक साफ नहीं हो सका है, जिस कारण से भवन बनकर तो तैयार है, लेकिन फिर भी उद्घाटन नहीं हो रहा है। पटना में इंटरनेशनल लेवल वाले शूटिंग रेंज में दी जाएगी ट्रेनिंग। शूटिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाने वाले बच्चों को ट्रेनिंग के लिए बिहार से बाहर जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि पटना में ही इंटरनेशनल लेवल वाली सुविधाओं के साथ बने शूटिंग रेंज में ट्रेनिंग की व्यवस्था शुरू हो रही है। पाटलिपुत्र गन शूटिंग एकेडमी नाम के इस प्रशिक्षण केंद्र को इंटरनेशनल लेवल वाली सुविधाओं के साथ तैयार किया गया है, जो कि पाटलिपुत्र कॉलोनी में चांद मेमोरियल हॉस्पिटल के पास स्थित है। यहां आज से ट्रेनिंग की सुविधा शुरू हो जाएगी, जहां शूटिंग सीखने वालों को सभी तरह के आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। आपको बताते चले कि एकेडमी का उद्घाटन आज शाम अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज व विधायक श्रेयसी सिंह करेंगी।
गंगा नदी पर बनने वाले पुलों में किया जाएगा यह बड़ा सुधार। पटना समेत गंगा किनारे बसे राज्य के सभी क्षेत्रों में अब नदी में पुल बनाने वक्त एक बड़ा सुधार किया जाएगा, जिसके तहत पुल के पायों के बीच की दूरी अब कम से कम 100 मीटर रखी जाएगी। यह दिशा निर्देश इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दिया है, जिसका मकसद है कि बड़े बड़े जहाज भी पुल के पायों के बीच बने रास्ते से भी गुजर सके। यह निर्देश गंगा नदी को लेकर ही जारी किया गया है। पटना का आशियाना नगर बना 100% प्रीपेड मीटर लगाने वाला क्षेत्र। बिहार के सभी क्षेत्रों में युद्ध स्तर पर प्रीपेड बिजली मीटर लगाने का काम किया जा रहा है और इस क्षेत्र में पटना के आशियाना नगर ने एक नया मुकाम हासिल किया है। दरअसल पटना के आशियाना नगर में स्थित हर घर में प्रीपेड बिजली मीटर लगाने का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है, जिसे लेकर ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने आशियाना नगर डिवीजन को सम्मानित भी किया। बताते चले कि आशियाना नगर डिवीजन में 100% उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग चुके हैं। इसी के साथ राज्य के अन्य डिवीजन में भी प्रीपेड मीटर लगाने का काम जोर शोर से किया जा रहा है। आज पटना नहीं आ रहे हैं आरजेडी सुप्रीमो। चारा घोटाले से संबंधित भागलपुर बांका कोषागार से 46 लाख रुपए की अवैध निकासी मामले में आज राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पेशी होनी है, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से वे पेशी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही जुड़ेंगे। आपको बताते चले कि लालू प्रसाद फिलहाल रांची में रिम्स में अपने दांत दर्द का इलाज करवा रहे हैं। आज रिम्स में उनके दांतों की आरसीटी की जाएगी, जिस कारण से आज की पेशी के लिए वे सीबीआई स्पेशल कोर्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही जुड़ेंगे। अब जानते हैं पटना में आज सोने चांदी और पेट्रोल के क्या है भाव। प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत आज 50,130 रहने वाली है, जबकि प्रति 10 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 45,950 रहने वाला है। वहीं चांदी के भाव 64,300 रुपए प्रति किलोग्राम है। साथ ही पटना में पेट्रोल 105.90 रुपए प्रति लीटर है और डीजल 91.09 रुपए प्रति लीटर बिक रहे हैं। बात अगर शहर की तापमान की करें तो न्यूनतम तापमान 14 डिग्री व अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि पटना में 5 सीएनजी स्टेशनों के खुलने से पटना वासियों को फायदा होगा या फिर नहीं। आप हमारे सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर दें। इसी के साथ ही आज के लिए इतना ही। राजधानी की खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहे बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।